दोस्तों आज का टू फैक्ट है कि आपको पता है गेंद नीचे गिर कर उछलता क्यों है, और क्या आप जानते हैं गोल गोल घूमने से सर क्यों चकराने लगता है। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि थोड़ी देर तक गोल गोल घूमने के बाद हम भी गोल गोल घूमने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय मनुष्य के आंतरिक कान में उपस्थित संवेदनशील द्रव्य भी घूमने लगता है। यही संवेदनशील द्रव्य मनुष्य के दिमाग को नियंत्रित करता है। रुक जाने पर भी यह पदार्थ कुछ देर तक घूमता रहता है। जितनी देर तक यह पदार्थ घूमता रहता है मनुष्य का दिमाग भी उतनी देर तक ही चकराता रहता है। नेक्स्ट फैक्ट, दोस्तों गेंद नीचे गिरकर उछलता क्यों है। क्रिकेट खेलते समय या गेंद से कोई अन्य खेल खेलते समय आपने देखा होगा कि जमीन पर गिरने के बाद गेंद 2-3 बार उछलती है। दरअसल इस क्रिया के पीछे न्यूटन के गति का तीसरा नियम काम करता है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत सदैव प्रतिक्रिया होती है। इसी आधार पर जब गेंद जमीन पर गिरता है तो उसके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। लचीलेपन के कारण गेंद अपनी वास्तविक स्थिति में आने के लिए अग्रसर होती है। ऐसा करने के लिए वो जमीन पर धसती है और उतनी ही ऊपर उछलती है। ऊर्जा खत्म होने पर गेंद अपने सही आकार में गतिहीन हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को टू फैक्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह का अमेजिंग एंड रैंडम फैक्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।